أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear students welcome to Shaheen Leaders Academy Pakistan आज हमने आपके लिए एक वीडियो तरतीब दी है जिसका उनवान है फिजिक्स टेस्ट नंबर 30 आज हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो तमाम सवालात पढ़ेंगे वो ऐसे सवालात जो कि आपके लास्ट पेपर्स के अंदर बाकायदा से रिपीट हो रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान नेवी जिसमें एकेडमिक टेस्ट के अंदर जो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है उस फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप तमाम अपनी वीडियोज़ के अंदर हम शामिल कर रहे हैं ताकि आप इसको टाइम से पहले तैयार कर रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको फ्यूचर में भी काम आते रहें तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने उन तमाम क्वेश्चन की तरफ वन बाई वन डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में ताकि आपके लिए आसानी हो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम उन दोस्तों से नाज़रीन से गुजारिश करूंगा जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ हैं उनको टाइम पर मिलती रहे लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर वन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर एलमोनियम वाटर एंड आयरन जी आपने ये बताना है कि इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है इसका जो दुरुस्त जवाब है द पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट इज वाटर जी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है हमारा दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ अ बैड कंडक्टर इज गोल्ड आयरन वूल ग्रेफाइट जी आपने ये बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा बैड कंडक्टर है जिसको आप नाम ये दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्वेश्चन नंबर टू में हमारा जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी है दैट इज आयरन क्वेश्चन नंबर थ्री मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू द जी मेटल्स आर गुड कंडक्टर स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फास्ट वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम्स जी आपने ये जवाब बताना है इसका दुरुस्त है दुरुस्त जवाब कौन सा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू दी क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखते हैं जिसका दुरुस्त जवाब है दैट दीज आर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर फोर फॉल्स सीलिंग इज डन ड्यू टू कूल द रूम कीप द रूफ क्लीन लोअर द हाइट ऑफ द सीलिंग इंसुलेट द सीलिंग जी हम फॉल्स सीलिंग क्यों करते हैं जी वजह क्या है रीजन क्या है फॉल्स सीलिंग करने की क्वेश्चन नंबर फोर में हम आपको बताते हैं जी टू इंसुलेट द सीलिंग सीलिंग को इंसुलेट करने के लिए हम ये करते हैं नंबर फाइव रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय रूम्स को आप गर्म कर सकते हैं कौन से गैस हीटर्स का इस्तेमाल करके कंडक्शन कन्वेंशन एंड रेडिएशन रेडिएशन कन्वेक्शन जी आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फाइव का जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम जी लैंड ब्रीज नसीमे बर्री कहां से शुरू होती है जी लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट लैंड टू सी ड्यूरिंग डे सी टू लैंड ड्यूरिंग डे जी ये कौन सी होती है जी लैंड ब्रीज इसको उर्दू में कहा जाता है नसीमे बर्री और एक होती है नसीमे बहरी जो समुन्दर की तरफ से खुश्की की तरफ से आती है खुश्की समुद्र की तरफ से खुश्की की तरफ आए तो उसको हम नसीमे बहरी कहते हैं लेकिन यहाँ पे नसीमे बर्री की बात हो रही है लैंड ब्रीज क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स का दूसरा ऑप्शन है लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट रात का जब टाइम होता है तो खुश्की से समुन्दर की तरफ जो हवा चलती है उसको कहते हैं लैंड ब्रीज ऑप्शन नंबर ए जो है दुरुस्त है अगला क्वेश्चन नंबर सेवन रेट ऑफ द हीट एमिटेड ड्यू टू रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स रेट ऑफ हीट एमिटेड ड्यू टू रेडिएशन ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी टू थ्री फोर फाइव कौन सा दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर सेवन का जो दुरुस्त जवाब है वो है थ्री रेट ऑफ द हीट एमिटेड ड्यू टू द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स जी कौन कितने फैक्टर हैं जी थ्री फैक्टर्स व्यूअर्स हमारा अगला क्वेश्चन है Geysers in our houses work on principle of conduction, convention, radiation, and none of the above. Geyser जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं चारों ऑप्शन हैं ऑप्शन जो दुरुस्त है वो उसका ऑप्शन है convection.
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन नंबर 8. हमारा अगला क्वेश्चन है, वेंटिलेशन इन आवर हाउसेस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू कन्वेंशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड नन ऑफ दीस. घरों में जो हवा का आर पार जाना है, वेंटिलेशन का है, वो किस तरह पॉसिबल है, किस वजह से पॉसिबल है? ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा इसका जवाब है. क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त जवाब है, दैट इज ड्यू टू कन्वेंशन. आर पार जो हवा के गुजरने के रास्ते होंगे तो अल्टीमेटली हवा भी पास हो सकेगी. स्टूडेंट्स, हमारा अगला सवाल है, अ स्कैन ऑफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट द डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड थर्मोग्राफ, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज. जी, आपने ये बताना है, स्कैन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट द डिफरेंट प्लेसेस. आपने अपने जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में रेडिएशन को देखना है और उनकी शिद्दत को आपने मापना है, तो वो फिर कौन सा तरीकाकार होगा नीचे वाले में से? क्वेश्चन नंबर 10 का जो, दैट इज नोन एज द थर्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए. नंबर 11, राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर इज कॉल्ड राइजिंग करंट्स ऑफ द हॉट एयर. उसको क्या करेंगे, थर्मल्स कहेंगे, ग्लाइडर्स कहेंगे, कैविटीज कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त जवाब है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाइम, टेम्परेचर एंड एरिया. क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो कौन सा जवाब है इसका जो दुरुस्त जवाब है, दैट इज द एरिया, प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ऑप्शन नंबर डी. डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है. हमारा तीसरा 13 नंबर क्वेश्चन है, इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाई रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्सॉर्प्शन. जी, किस तरह हीट जो होती है ट्रांसफर होती है इन सॉलिड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्यू टू कंडक्शन, ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन. हमारा अगला सवाल, व्हाई डू पीपल फील कूल इफ दे डू नॉट ड्राई देमसेल्व्स आफ्टर स्विमिंग इन द सी. लोगों को सर्दी क्यों लग जाती है, ठंडा क्यों महसूस होता है जब वो समुंदर से नहा के बाहर निकलते हैं और वो अपने आप को ड्राई नहीं करते? इफ दे डू नॉट ड्राई देमसेल्व्स आफ्टर स्विमिंग इन द सी, वाटर इज गुड कंडक्टर, वाटर एवोपरेट द कॉजेस कूलिंग, वाटर इज गुड इंसुलेटर, वाटर इज कोल्डर देन एयर. जी, आपने ये बताना है जो उसका दुरुस्त जवाब है. क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त जवाब है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर एवोपरेट्स द कॉजेस कूलिंग. क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन विच हीट रीचेस फ्रॉम वन बॉडी to another in the form of waves without affecting the medium is called radiation, convection, conduction or none of them. Ji, the process of transfer of heat, ye wo process bataiye jo transfer of heat ka hai, heat energy ko, in which the heat reaches from one body to another, ek jism se dusre jism mein kaise pahunchti hai, in the form of waves, waves ki form mein, lehron ki form mein, without affecting the medium is called, बगैर अफेक्ट किए किसी मीडियम को, तो उसे आप क्या कहेंगे? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त जवाब है, दैट इज द कन्वेक्शन. ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हमने आपके लिए तैयार किए. उम्मीद है कि आपने ये सवाल समझ लिए होंगे और अपने पास नोट कर लिए होंगे. अल्लाह पाक आपको आपके तमाम इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए. तो शाइन लीडर्स अकेडमी का ये तुरा इम्तियाज है जिसने हमेशा से अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अजीज़ तलबा व तलबात के लिए, पेरेंट्स के लिए और उनके तमाम बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियोस तरतीब दी हैं और अपलोड की हैं इसी चैनल के ऊपर, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से सुन सकें और अंडरस्टैंड कर सकें. फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.shinelidersacademy को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने टेस्टों की तैयारी भी करके आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए कमीशन अफसर बन सकते हैं. ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरें चल रही हैं, ये हमारे पाकिस्तान की जो दफाई अफवाज हैं उनके शाहीन हैं, जरी जवान हैं, वहाँ पे सेलर्स भी हैं, कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, एयरमैन भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं आर्मी के माशाल्लाह, जो कि 23 मार्च जो में पाकिस्तान के परेड के ऊपर सामने वेन्यू में खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं माशाल्लाह. अकेडमी
एक और गिफ्ट जो आपके सामने चाइना ने पाकिस्तान को प्रेजेंट की है, इस 23 मार्च 2000 जो गुजर चुकी है, 22 इस पे G20 का बाकायदा परेड के ऊपर मुजाहरा किया गया, चाइना की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और माशाल्लाह ये एक और हमारे जो शाहीन है उनकी ताकत के अंदर और इजाफा हुआ है इस जहाज के एडिशन होने के साथ। जरूर तशरीफ लाइए, हम जारी हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना, हर एक टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे पास माशाल्लाह क्लासेस रेगुलर बेसिस पे जारी हैं। इंशाल्लाह ताला अजीज आप जरूर कामयाब होंगे। स्टूडेंट्स जो कि यहाँ से पास आउट हो गए हैं उनको बाकायदा से सर्टिफिकेट भी इनायत किए गए हैं ताकि रिकॉर्ड उनके पास रहे जो चीज़ें उन्होंने लर्न की है। यहाँ से पढ़ के हमारे बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह कैडेट कॉलेजेस भी ज्वाइन कर चुके हैं, इनमें से हमारे कुछ अजीज तलबा आपके सामने परेड वेन्यू में खड़े हुए कैडेट सैल्यूट पेश कर रहे हैं, मॉर्निंग असेंबली के अंदर आप इनको भी देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू शाइन लीडर्स एकेडमी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन के पे क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमारे लिंक को जरूर शेयर करें ताकि इससे लोग फायदा उठाते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप तमाम का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।